अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, हम सभी को कुछ ना कुछ ख़ास करने का शौक़ होता है। हम अपने शौक़ को, अपने पैशन को चाहते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ाएँ, सामने लेकर आएँ, लोगों को बताएँ अपना टैलेंट के बारे में और उन्हें दिखाएँ। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने टैलेंट को दिखाते भी हैं, आगे बढ़ाते भी हैं, क्योंकि उनमें एक जोश, एक लगन होती है, एक चाहत होती है, बस कुछ करके दिखाना है, और कर भी जाते हैं। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया कि हमें बहुत सारे लोगों के नए नए टैलेंट देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें ज्वेलरी की, तो हमने बेशुमार और तरह तरह की ज्वेलरी देखी है। कुछ लोग गोटे की ज्वेलरी बनाते हैं, कुछ लोग बीड्स की, स्टोन की ज्वेलरी बनाते हैं, कुछ लोग धागों से ज्वेलरी बनाते हैं, गत्ते की, फूलों की ज्वेलरी बनाते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई लोग ऐसे भी हैं जो क्ले से ज्वेलरी बनाते हैं। जी हाँ, क्ले से, क्ले डो से। आज जो हमारी मेहमान हैं, जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ठहर के, वो ख़ास जो ज्वेलरी बनाती हैं वो क्ले डो से बनाती हैं, और बहुत ही खूबसूरत और हसीन ज्वेलरी होती है। कैसे ये आइडिया उनको आया और किस तरीके से ये क्ले ज्वेलरी दिखने में लगती है, ये सब हम आज अपने शो पर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने किचन काउंटर की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारी जो पहली मेहमान है, हमारी शेफ़ हैं, शेफ़ आतिका हुसैन, वो हमारा इंतज़ार कर रही है। आइए ज़रा इनके बारे में भी ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिका। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बताइए कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, बहुत खुश, और आज बहुत अच्छी लग रही है। इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छी लग भी रही है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब तक आप अच्छा फील नहीं करेंगे ना, आप अच्छे लग नहीं सकते। बिल्कुल, एक बार अंदर हम कंफर्टेबल फील करते हैं ना, फिर सब ही अच्छा लगता है। और जहाँ अंदर बाहर से बेहतरीन मेकअप हुआ हुआ होगा, बेहतरीन कपड़े, अंदर से दिल मुरझाया हुआ है, चेहरा मुरझा जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। तो आजकल तो मौसम ने थोड़ा खिला खिला चेहरा रखा, मूड अच्छा हो गया, मूड अच्छा हो गया, सब लाइक कराची वाले खुश हो गए। बिल्कुल। अच्छा जी आतिका, आप फर्स्ट टाइम आ रही हैं लाइवली वीकेंड्स में, अपने बारे में हमें कुछ बताइए, क्या कर रही हैं, कोई पेज वगैरह चला रही हैं? जी, मैं एक पेस्ट्री शेफ हूँ, आई एम फ्रॉम जाम्बिया। अच्छा अच्छा, वहीं पर ही वहीं सीखा है। बोर्न एंड, जी जी, बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। ओके ओके, तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं, शादी के बाद? नहीं नहीं, शादी याद नहीं, अभी तक शादी मेरी नहीं हुई। ओके, I'm सिंगल। तो फिर लेकिन ये है कि आना जाना लगा रहता है, अब थोड़ा नानी वगैरह चाह रहे थे, थोड़ा टाइम यहाँ पे रहें। अच्छा ओके, तो फैमिली आपकी वहाँ पर होती है? नहीं नहीं, मेरे डैड और मेरे भाई वहाँ पे हैं, मेरे फादर और मेरे भाई वहाँ पे हैं, अम्मी के साथ और बहनों के साथ में यहाँ पे। भाई वहाँ की कुछ बातें हमें बताइएगा, कैसा है, अगर हम भी विजिट करने जाएं? जरूर आप विजिट करें, जब मैं जाऊँ तब आप आइएगा, ताकि मैं आपको अच्छे से पूरा टूर दे सकूं। में वाकई। और वहाँ के खाने कैसे हैं? खाने अब देखें, अब पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, पाकिस्तानी, अच्छा। इंडियन कुजीन आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। अच्छा। इंडियन के अलावा लेबनीज कुजीन जो वहाँ पे है। अरे वाह। तो अब आप, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर जाम्बिया में भी आप हैं ना, तो अफ्रीकन कुजीन से ज्यादा अब आपको ये सब मिल रहा है। अरे वाह। क्योंकि जो अफ्रीकन हैं, अब उनको भी यही अच्छा लगने लगा है। हमने टेस्ट दे ही दिया उनका, डेवलप कर दिया। यहाँ तक के जो हमारे सारे हेल्पर्स वगैरह भी है ना घर में, वो भी बहुत शौक से हमारे खाने खाते, जब भी हम बनाते थे, या मम्मी भी कुछ भी बना रही है, या अब भी अगर मेरे अबू कुछ बना रहे हैं, बहुत खुशी से वो खाते हैं। अच्छा, चलिए अफ्रीका के हवाले से भी हम आपसे जानेंगे, आज जो आप सिखा रही हैं वो भी बताइएगा, प्लस आप ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हैं, मैं आपके उसमें पढ़ रही थी प्रोफाइल में कि आपका पेज है। जी बिल्कुल, मैं ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हूँ, मैं काफी कैफेज में सप्लाई भी करती हूँ। अच्छा अच्छा, और अब इरादा है अपना स्टूडियो खोलने का, मैं सिखाना चाहती हूँ। जबरदस्त। आप ऑर्डर्स अगर कोई आपको देना चाहे, आपके पेज का क्या नाम है बता दें? मेल्टेड बाई ए, मेल्टेड बाई ए। जी, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे यही नाम है। अच्छा, तो आप मुझे वहाँ पे इनबॉक्स कर सकते हैं। सही है जी, डन है। और किस तरह की चीज़ें आप ज़्यादातर बनाती हैं? अच्छा, मोस्टली मेरा सारा जो मेरी स्पेशलाइजेशन है ना, वो क्रीम केक्स पे है। अच्छा, क्रीम केक्स एंड डिजर्ट्स, और थोड़े से फ्रेंच पेस्ट्रीज भी मैं अब बनाती हूँ। सही है, यू आर अ पेस्ट्री शेफ, एक्सपर्ट हैं आप। तो आज सबसे पहले हम कौन सी रेसिपी से स्टार्ट करें? अच्छा, पहले हम लोग, ये मेरा कॉपी कैट कॉफी मूज है। कॉपी कैट इसलिए क्योंकि जो हमारी ऑथेंटिक रेसिपी होती है ना मूज की, उसमें हम लोग रॉ एग्स डालते हैं, कच्चे अंडे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को कच्चे अंडे पसंद नहीं होते, लाइक मेरे पास ये शिकायत आती है मेरे खुद की घर में, जैसे हम चार बहनें हैं, तो दो बहनों को बिल्कुल वो मूज नहीं पसंद है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उनके लिए मैंने ये रेसिपी डेवलप की थी, वेरी गुड, जिसमें हम अंडे नहीं डालेंगे, एगलेस मूव सही है। या ओ नाइस, ठीक है, इसीलिए इट्स कॉपी कैट। ओके, कॉपी कैट, ठीक, ताकि जिन लोगों को नहीं पसंद और फिर भी वो खाना चाहते हैं ना, वो ये आसानी से और बिल्कुल फटाफट बन जाएगी ये। दाने जी, अच्छा इसमें क्या क्या चाहिए आपको? अच्छा, इसमें हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम, फ्रिज में है, मैं दे दूं आपको? जी जी बिल्कुल, व्हिप करके रखा हुआ है? नहीं नहीं, अब व्हिप कर, ये लें,
ठीक है जी। अच्छा ये देखें, ये व्हिपिंग क्रीम है। अच्छा ये कितना है, टेट्रा पैक के हिसाब से है या क्या? नहीं नहीं, दिस इज 400 ml। 400 ml रेसिपी में हम 300 डालेंगे, लेकिन ये व्हिप मैं साथ में कर लूंगी ताकि गार्निश वगैरह करने के लिए इस्तेमाल हो जाए, थोड़ा हम निकाल लेंगे। सही है ना? सही है। तो 400 ml हमारे पास व्हिपिंग क्रीम है। शुगर हमने सिर्फ लेनी है कुछ, ये जो चीनी हमने लेनी है 2-3 tablespoons, ज़्यादा नहीं क्योंकि व्हिपिंग क्रीम मीठी है। ठीक है, सही है, सही है। कॉफ़ी हम लोगों ने ली है यहाँ पे अराउंड 2 tablespoons। हाँ। लेकिन अगर ज़्यादा आपको टेस्ट को ज़्यादा ही लग जाए, लाइक ओवर पावर ना कर जाए, तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने 2 tablespoons लिया। सही है। और फिर ये जो था जेलेटिन, या जेलेटिन, ये जेलेटिन हम थोड़ा डालेंगे उसको ताकि फॉर्म करने के लिए। अच्छा सही है, वो सेट हो जाएगा। सही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बीट करना आपने जी, चले इसे आप, मैं बीट कर लेती हूँ। आप बीट करना शुरू करें, चीज़ें अभी ना डालिएगा और फिर हम वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ ही रहिए। बहुत ही मज़ेदार सा एगलेस मूस सिखा रही हैं शेफ आतिका। चिकन 65 अज्जा, बोनलेस चिकन 250 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, पेपरिका 1 चाय का चमचा, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1/2 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 1 खाने का चमचा, ऑरेंज कलर 1 चुटकी, अंडा 1 अदद, राई 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन चंद जवे, कड़ी पत्ते चंद अदद, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। अजय जी वेलकम बैक। आज शेफ आतिका फ्रॉम अफ्रीका जाम्बिया वहाँ से आई हैं और यहाँ पर कराची में इन्होंने अपना काम भी शुरू किया है। अब कुकिंग ने इनको जो है वो यहाँ पर टिका के रखा हुआ है ना, काम चल रहा है तो ये यहाँ पर है। काम चल रहा है और अब लाइक माइंडेड पीपल, लाइक इन सब जब देखें, हाँ। अभी जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ होते हैं ना, हाँ। तो मूड वैसे ही अच्छा लगने लगता है जब भी सोच मिलने लगती है तो बिल्कुल दिल लगने लगता है। कंपनी गलत हो गई थी पहले। अच्छा अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह सही कंपनी। अच्छा जी, हमने क्या किया था, 400 ml आपने व्हिप क्रीम लिया था, इसको हमने व्हिप कर लिया, ठीक है, ब्रेक में ही इतना बीट करें। और यहाँ पर आपने कितना जेलेटिन लिया है? जेलेटिन 1 teaspoon। 1 teaspoon और थोड़े से गर्म पानी में, थोड़े से गर्म पानी में, ठीक है। इसे कभी भी बॉइल नहीं करेंगे। देखें मेरा थोड़ा सा लंपी हो गया, लेकिन अच्छा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, तेज़ गर्म नहीं, मेरा पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया। सही है, सही है, ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं, ये हमने कर लिया। अच्छा, और कॉफ़ी को भी आपने थोड़ा, कॉफ़ी भी ये 2 tablespoon से ज़्यादा कॉफ़ी थी मेरी, तो मैंने थोड़ा सा ले लिया गार्निश अगर करने के लिए, थोड़ी सजावट अच्छी लगेगी। ठीक है, देखें ये हो गया। सही है, और ये एगलेस मूस से हमने स्टार्ट किया है, ये थोड़ा सा ठंडा करके फिर आप डालेंगे इसमें, थोड़ा सा बस, जब तक मैं बाकी वो सारी चीज़ें रखूँगी ना। सही है, और ये कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा कुकिंग है ही नहीं, सिंपल सारी चीज़ें मिक्स की डाली और इसको सेट करने मुझे एक स्पैचुला या हैंड विस्क, हाँ स्पैचुला, स्पैचुला दिया आप लोगों ने, और एक और बॉल मुझे चाहिए। एक और बॉल बड़ा चाहिए छोटा? नहीं नहीं, थोड़ा सा ये व्हिप क्रीम निकालने के लिए ताकि मैं गार्निश के लिए बचा लूँगी। और स्पैचुला भी दें, मैंने ब्रेक से पहले ही मांगा था। खैर एनीवेज, अच्छा जी मैं बड़ी हैरान हुई ये सुनकर कि अफ्रीका में आप शुरू से मसाला चैनल देख रही हैं, वहाँ पर बहुत शौक, मैं हैरान हूँ। मेरे फादर देखते हैं अब भी। हाँ, हाँ, वो तो देखते वहाँ हैं। आ रहा होता है जी, या जी, जी। अच्छा अच्छा, तो वो बल्कि जो हमारे जो जाम्बियंस हैं ना, वो सब भी बहुत उससे खुशी से देखते हैं। फिर तो अफ्रीका जाना चाहिए, लोग हमें पहचानेंगे, बिल्कुल पहचानेंगे हम लोग तो यहाँ के। मैं कल भी एक शो में गई हुई थी तो उनकी होस्ट से भी मैंने यही कहा, वो भी हैरान थी थोड़ा सुन के, बोली है सच में जानते हैं। मैं बोला कितना आपके शो को कितना जाना जाता है। अफ्रीका के बारे में हमने कभी इतना कुछ सुना नहीं ना ही कोई ऐसा गेस्ट है। वो एक थोड़ा सा दिमाग में है कि नहीं अफ्रीका जंगल है, जंगल है, जंगल है। नहीं खैर ऐसा भी नहीं है। नहीं नहीं, मैंने जितने लोगों से मैं मिली हूँ ना, मुझसे यही, यार अफ्रीका वाकई में ऐसा डेवलप्ड है, आप रह सकते हो। हाँ तो माशाल्लाह है। हाँ कुछ ऐसी लाइक कंट्रीज हैं जो, लेकिन फिर भी वो ऐसी भी नहीं है कि आप जा ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं होती वहाँ? नहीं, बल्कि जो जाम्बिया में, मैं जाम्बिया से हूँ। आपको लैंग्वेज आती है वो? हमारी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। अच्छा ठीक है, लोकल बहुत सारी हैं लेकिन नेशनल इंग्लिश है तो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। अच्छा, है अच्छा, तो फिर ये अच्छा है। बाकी वहाँ की क्या खास चीज़ खास है? मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि हमें अभी तक ना स्पैचुला मिला है, ना हमें वो छोटा बोल मिला है जो ब्रेक से पहले मांगा था। खैर एनीवेज, इसको छोड़ें, आप इधर आइए, हम ये रेसिपी शुरू करते हैं जब तक कि वो दूसरी चीज़ें आती हैं। अब क्या कर सकते हैं, मैनेज करना है हमें। नहीं नहीं, नो वरी बेटा, ठीक है ना, घर में भी तो ऐसा ही हो रहा होता है कभी। हाँ ना, और क्या, ये नहीं, चलो वो कर लेते हैं। अच्छा दूसरी रेसिपी के बारे में बताना आतिका। अच्छा ये दूसरी रेसिपी हमारी चिकन 65 है। चिकन 65 है, सही है। चिकन 65 आई थिंक नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, पर ये है कि इंडियन डिश है। हाँ वो कहते हैं मलाबारी है दुबई में काफ़ी, ये चिकन 65 चेन्नई से, ये चेन्नई से है। ठीक है, ठीक है, सही है।
असल में मैंने खाई बहुत है ना जाम्बिया में। हाँ, ये वहाँ मिलती है इंडियन रेस्टोरेंट्स और वहाँ पे बहुत मिलती है। तो ये वहाँ की जरा देखते हैं। अच्छा, आपने लिया है बोनलेस चिकन? जी, बोनलेस चिकन लिया है, अबाउट 500 ग्राम में। सही है, मैंने इसकी रेसिपी थोड़ी डबल कर दी थी। ठीक है, सही है ना। 250 में भी आप बना सकते हैं, 250 ग्राम में भी आप बना सकते हैं। मैंने आधा किलो चिकन लिया है, 500 ग्राम। सही है। इसके अंदर देखें, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाते हुए डालूंगी, जो मसाले जो जो इसमें डालना है हमने। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अगर मसाले हैं ना, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सही है। ये पहली चीज़ हम डाल रहे हैं, पपरिका या कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ठीक है, जो भी आप कहें। पपरिका और कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है रंग वाली, वो एक एक ही होती है, क्योंकि उसमें मिर्ची इतनी होती नहीं है ना, रंग जी कलर जी कलर की वजह से ये ज़्यादा डाली जाती है, क्योंकि ज़्यादा। तो ये आपने ये डाला। हाँ, ये होती भी लाल कलर की है। जी, ये होती भी लाल खास कर। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ये जो क्रश्ड रेड चिली, ये कुटी हुई मिर्चें, ठीक है, लेकिन ये आप थोड़ी सी डालेंगे, सही है ना, क्योंकि इसका हम लोगों को एक तड़का भी तैयार करना होता है। ठीक है, सॉल्ट टू टेस्ट, जितना आपने चाहिए आपको चाहिए हो। ठीक है, मैं थोड़ा कम डालती हूँ। अच्छा, ठीक है, हाँ, कम नमक। कम नमक, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, गरम मसाला है, ये हो जाएगा 1/4 टीस्पून, ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, सही है ना। सही है, गरम मसाला हो गया। ये ऑरेंज फूड कलर है, जो जर्दे का। अच्छा, कलर। अच्छा, या बिरयानी के ऊपर भी आप डाल देते हैं। ठीक है, सही है, ये डाल दिया। ये हो गया सारे। अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, 2 टीस्पून। सही है, थैंक यू। और 2 टीस्पून। अब ये है कॉर्नफ्लावर। अच्छा, 2 टेबल स्पून। ये फ्राई होगा आते का? जी, ये फ्राई होगा। अच्छा, तो ये चिकन 65 ग्रेवी वाली होती है या वैसे? नहीं नहीं, ग्रेवी नहीं होती, खुश्क होती है। अच्छा, ये फ्राई करके बस हमें एक तड़का जो तैयार करना, मेन इसका ना सिर्फ तड़का ही है। ठीक है, इस तरीके से सही है। अच्छा, यहाँ पर एक दो बार शायद शो पे बनी है हमारे चैनल पे, लेकिन वो थोड़ी सी ग्रेवी वाली मुझे याद है। नहीं नहीं, जो मेरी है वो तो काफी ड्राई है। ये मैदा है। ठीक है, ठीक है, तो कॉर्नफ्लावर और मैदा। कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून आपने डाले, मैदा 1 टेबल स्पून सिर्फ डालेंगे, मैदा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब हो चुका है। ठीक है, अब ये अंडे हैं, 2 अंडे आपने डाल देने। ठीक है, जर्दे का रंग भी डाला है, लाल कुटी मिर्चें भी हैं, पेपरिका पाउडर भी, धनिया, अदरक लहसुन पेस्ट है, उससे कलर अच्छा आ जाता है। हाँ, और सॉल्ट और 2 अंडे, कॉर्नफ्लावर, मैदा। कॉर्नफ्लावर, मैदा, फिर ये जो बाकी सारा सामान है, ये बघार का। ये बघार का जी। ठीक है, मज़े की रेसिपी है और इजी भी बहुत है। हाँ, तो ये सब आपके मेल्टेड बाय ए आपने बताया ना? नहीं, लेकिन ये मेरे पेज पे आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, वहाँ बेकिंग के, वहाँ सिर्फ आपको बेकिंग के मिलेगी। लेकिन अब ये है कि यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे लाइक, तो मैंने सोचा कि मैं ये बना लेती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा है, ये रेसिपी अच्छी है ना, और इजी भी है। इजी भी है, और फिर हम खास वहाँ जो अफ्रीका के इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ तो की। ये है कि जैसे कि आपने कहा कि 2-3 बार बनी है, तो शायद ये आपको थोड़ी डिफरेंट लगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरा वर्जन है। आतिका, आपको शौक कब से हो गया कुकिंग का? छोटी थी तब से। अच्छा, असल में पता है ये बेकिंग का कैसे स्टार्ट हुआ? जब हम छोटे थे ना, तब इतनी हलाल बेकरीज नहीं थी जाम्बिया में। ठीक है, अच्छा, तो जितनी भी हम थे सारे सब घर में ही किया करते थे। ठीक है, अब तब से देख रही हूँ, मुझे अच्छा लगता था, मुझे भी करना है। फिर मैंने करना कुछ, मैं बहुत, आई थिंक मैं कुछ 12 साल की थी, मैंने अच्छे बेकिंग स्टार्ट कर। अच्छा, तब से ही? हाँ, तब इतनी अच्छी नहीं करती थी, ख़राब बहुत किया है मैंने सामान। बेकिंग में तो खैर है, वो केक्स बैठ जाते हैं, तो क्रीम बैठ जाती है, बहुत कुछ। अब जब हम प्रोफेशनली कर रहे हैं ना, तब भी कभी कभी ये सब हो जाता है। अच्छा, आतिका मुझे बताएं, इसको आपने मैरिनेट करके रखना है थोड़ी देर, है ना? फिर जब हम ब्रेक पे जाएंगे तो इसका ऑयल डीप फ्राई होगा ये? जी, ये डीप फ्राई होगा। ठीक है, तो इसको आप बेशक रख दें। अब यहाँ पर आपका ये बोल और स्पैचुला भी आ गया है, इसकी मिक्सिंग करते हैं और इसको फिर हम फ्रिज में रख देंगे। चलें जी, वो तो हमने चिकन 65 की मैरिनेशन कर दी, ये सिर्फ थोड़ी सी निकालनी है मुझे, गार्निश। हाँ हाँ, निकालनी है। ठीक है, थोड़ी सी निकाल के, हाँ, ये थोड़ी देर फ्रिज में रखनी हो तो आप रख दें। ठीक है, या भले ना भी रखें अभी। हाँ, मिक्स कर देते हैं और फिर इकट्ठा कर देते हैं। ये वाली तो मैं रख देती हूँ, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या क्या डाल रहे हैं आप? ये देखें, 2 टेबल स्पून सिर्फ डाल रही हूँ मैं चीनी, क्योंकि ये व्हिपिंग क्रीम ना पहले से मीठी है। सही है, ये हो गया। ये जो कॉफ़ी हमने डिसॉल्व करके रखी थी, ये भी डाल, ये चली गई। ठीक है, ये वनीला एसेंस। अच्छा, लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ा है, तो मैं बिल्कुल हल्का सा डालूंगी। हाँ हाँ हाँ,
टेस्ट, क्योंकि पता है थोड़ा सा भी बने लगाकर ज्यादा हो जाता है ना, कड़वा हो जाता है ना, कड़वा हो जाता है। और ये देखें मेरी जेलेटिन हो गई है, ठीक है, सही है। और ये भी मिक्स कर दिए, ये भी इसके अंदर गया, ये टूट, इसमें कोई कोको शोको चॉकलेट वॉकलेट कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। बस ये अच्छे से मिक्स करके हम इसको इसमें, जी इसमें हम ये ट्रांसफर कर देंगे बाउल्स में, ठीक है। बाउल्स मैंने इसलिए लिया छोटे इंडिविजुअल, हाँ, क्योंकि थोड़ी अच्छे लगेंगे, हाँ, वो सर्विंग में भी अच्छे, सर्विंग ये में तो भी फिर अच्छे भी बड़े, और तो वो शॉट्स आते हैं ना छोटे छोटे, जी वो होते हैं, हाँ। अच्छा कभी कोई ऐसे ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, मैं मोस्टली शॉर्ट्स में ही देती हूं, अच्छा, क्योंकि वो दिखने में बड़े खूबसूरत लगते, हाँ, हैं, अच्छे लगते हैं, उसको अच्छे से गार्निश कर दो। देखें बस फौरन ये हो सिंपल गया। क्रीम का मूज बन गया। मीठे का शौक है आपको, केक्स बनाती हैं, खाती भी हो? नहीं खाती खूब नहीं हूँ। अच्छा, घर वाले शिकायत करते हैं कि हमें खाना नसीब, हाँ, नहीं होता जल्दी। अच्छा। मेरी बहन साथ में आई हुई है ना, उसकी सबसे बड़ी शिकायत रहती है। अच्छा अच्छा, अब उसका बर्थडे आने वाला है, अब तो ऑर्डर होगा, अभी से उसने फिक्स करवा के रखा है। कोई थीम दी है आपको कि भाई ये वाला चाहिए या? थीम तो अभी तक नहीं दी है। अच्छा, उसने बस हाँ फ्लेवर बताया, उसको नटेला फ्लेवर का केक चाहिए। नटेला, ओके, सही है। तो अब वापस जाने का इरादा नहीं है आतिका? अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है, लेकिन जैसे ही, नहीं नहीं जाऊंगी, क्यों नहीं, जरूर जाऊंगी, जाना तो चाहिए, वो भी मेरा। आते जाते रहे, आते जाते रहे, बिल्कुल। देखें ये है, हाँ, कि देखें मैं वहाँ ही पैदा हुई, वहीं बड़ी हुई, सही, तो बहुत सेंटिमेंट्स मेरे, ऑफ कोर्स, हाँ, आपका बचपन वहाँ पे गुजरा है। पाकिस्तान तो सिर्फ हम जब सिर्फ कभी हॉलीडेज में आ गए, हाँ, तो आ गए ना भाई। पाकिस्तान में बचपन कैसा गुजरता है हम सब जानते ही हैं, लेकिन अफ्रीका में बचपन कैसा गुजरता है? अभी एक हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, हम अपनी बातचीत भी जारी रखेंगे, इसको हम रख देते हैं फ्रीजर में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, आप लोग हमें SMS कर सकते हैं, आज बी ओरिजिनल की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं गिफ्ट हैम्पर्स। और एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं, स्टे विद अस। चिकन 65, अज्जा बोनलेस चिकन 250 ग्राम, नमक हसबे ज़रूरत, पेपरिका एक चाय का चमचा, कश्मीरी मिर्च पाउडर एक चाय का चमचा, धनिया पाउडर एक चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 1 खाने का चमचा, ऑरेंज कलर एक चुटकी, अंडा 1 अदद, राई 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन चंद जवे, कड़ी पत्ते चंद अदद, कुटी लाल मिर्च हसबे ज़रूरत। अजय जी वेलकम बैक, आज आतिका है हमारे साथ और शी इज़ अ पेस्ट्री शेफ। आप लोग इनको ऑर्डर्स भी दे सकते हैं केक्स वगैरह के, और इस तरह की सिर्फ केक्स में ही आपकी स्पेशलाइजेशन है, कपकेक्स, ब्राउनीज एंड इस तरह की, एंड डिजर्ट्स वगैरह, जी कुछ वगैरह, ठीक है जी। मेल्टेड बाय ए के नाम से इनके आपको इंस्टा पे एंड फेसबुक पे ऑर्डर आ जाने चाहिए। आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, किरण ने आप खुद सबसे कहा है। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, लोग देखेंगे। और ये क्या, अच्छा मूज हमने तैयार कर दिया है, उसको अच्छे से गार्निश करके फ्रीजर में रखा है ताकि सेट हो जाए। चिकन 65 की जो मैरिनेशन की थी, अब हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। और आपको बताते चलें, ये जो आप पैन्स और कढ़ाई और फ्राइंग पैन, कुकवेयर जितना भी देख रहे हैं, ये SK कुकवेयर के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हर किचन की जो शान है वो SK कुकवेयर है, पाकिस्तान का वाहिद ISO सर्टिफाइड ब्रांड कुकवेयर ब्रांड है। और नॉन स्टिक की अगर हम बात करें तो इनकी एक कंप्लीट रेंज आपको मिलेगी, पैन्स हों, पॉट्स हों, कढ़ाइयाँ हों और प्रेशर कुकर्स हों। आप लोग भी ऑनलाइन जाकर जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने किचन के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बर्तन चेंज करने चाहिए तो SK कुकवेयर इज़ अ गुड चॉइस। ठीक है जी, ये भी हो गया। अच्छा, अब इसका जो तड़का है वो गरम गरम ही लगेगा मेरा जी, वो गरम गरम ही लगेगा, बस सिर्फ ये हो जाए ना। सही है, दो हम बना लेंगे लॉट इसके। जब तक हम ज़रा जानते हैं ना ये अफ्रीका में बचपन कैसे गुजरता है, क्या करते हैं वहाँ के बच्चे, किस तरह गुजारते हैं। अच्छा, जैसे हमारा जो बचपन गुजरा, हाँ, ना, अब जब हम यहाँ आके देखते हैं ना, हाँ, तो यहाँ के बच्चों का बचपन मुझे बड़ा अलग लगता है। बिल्कुल मैंने ये देखा, क्योंकि देखें हमारे जो हमारे मम्मी पापा ने हमेशा हमें सिखाया है नेचर, लाइक नेचर तो हमें इतना पसंद है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, हाँ, हाँ, ये सब कुछ, और बाकी हम टाइम अच्छा एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। सही है, मेरे अबू लाइक जब भी काम से आते हैं 5 बजे, हम, हाँ, काफ़ी देर तक बैठते हैं सब साथ में मिलते हैं। अच्छा अच्छा, और यही आदत अब मेरे फैमिली भाई बॉन्डिंग मतलब वहाँ पर इस पे ज़्यादा देती है। बल्कि जब मैं 13 ईयर्स की थी ना, मुझे मेरा पहला फ़ोन भी तब मिला था। अच्छा, क्योंकि मेरा फिटनेस भी है वहाँ पर थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी उस लिहाज से नहीं, हाँ, सब मुझे हमें मन के करने देते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन ये है कि जैसे देखें पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, हाँ, हो जानी चाहिए, हाँ, फ़ोन देने का लाइक ये एक सर्टन एज, लाइक मेरे सारे ही भाई बहनों को
अच्छा गेम्स में क्या होता है, बच्चे क्या खेलते हैं वहाँ पर ज्यादा शौक से? गेम्स में ये है कि क्लब्स हमारे अच्छे बने हुए हैं, फुटबॉल वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह बहुत अच्छा है, अच्छा स्विमिंग का बहुत अच्छा है। अच्छा ये सारी चीजें हैं। अच्छा मैं कभी इतनी शौकीन नहीं थी स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की नहीं शुरू से। अच्छा अब थोड़ा बहुत हो गया। लेकिन वो बेकिंग में रुझान चला, बेकिंग में बिल्कुल नहीं, बेकिंग बस मुझे जैसे स्कूल से फुर्सत मिले मैं यही करती थी, वीकेंड्स मेरी इन्हीं में गुजरती थी। अच्छा बेकिंग करते थे। हाँ वैसे लाइफस्टाइल की बात करें तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा वहाँ का यहाँ, बिल्कुल मुख्तलिफ, सब टाइम टू टाइम सब हो जाता है, पंक्चुअल बहुत हैं। सही है, यहाँ अगर पता है मुझे कहीं जाना भी होता है मैं बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाती हूँ, बाकी लोग नहीं आए होते बेचारी इंतजार करती होंगी शादी में, आप तो 9:45 पहुँच जाती होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और लोग आते 11-12 बजे, लोग आते हैं 11-12 बजे यहाँ पे शादियों में। ओहो मतलब हाँ। मेरे फादर यहाँ पे जब भी आते हैं ना हाँ। उनको ये बड़ा इशू होता है हाँ। वो यहाँ आके भी 12 बजे सो जाते हैं। अच्छा यही लोग जो पाकिस्तानी वहाँ पर हैं जैसे बाहर, तो वो तब टाइम की पाबंदी करते हैं वहाँ, करते हैं वहाँ, दूसरा चॉइस ही नहीं है। अच्छा यहाँ नहीं कर रहे होते वो, रिलैक्स माहौल है वहाँ। पता है ना कि सब जो भी आपका ओकेजन है वो तो खत्म हो जाएगा, सामने वाला रुकने नहीं वाला, बिल्कुल हर चीज़ की टाइम टू टाइम सब कुछ हो जाता है वहाँ पे पाबंदी। पता नहीं क्या है यहाँ, तो यहाँ का कुछ सेटअप ही ऐसा हो गया है, यहाँ तक कि आप पता है किसी प्रोफेशनल मीटअप में भी जाएं वो भी है, तो भी ये है। मुझे ये था कि हो सकता है सिर्फ शादियों वगैरह में सब इतना लेट करते हैं, नहीं नहीं लेकिन नहीं, आप कहीं भी चले जाएं, चिल लोग कुछ ज़्यादा ही चिल, ज़्यादा ही, और हम हमेशा से बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहे हैं। हाँ तो ये नहीं, पंक्चुअलिटी तो बहुत अभी जरूरी तक है, हम बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं चाहे वो कुछ भी हो। हाँ अच्छी बात है ये तो। खैर अच्छा वहाँ के कोई स्पेशल खाने जो कि हम पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल अलग हों, मुख्तलिफ हों, क्या वहाँ के खाने चीज़? अगर जो मैं बताऊँ ना जो प्योरली जाम्बियन खाते हैं तो वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल मिर्चे वाली होते हैं, सादे होते हैं, बहुत सादे होते हैं, वो लोग नमक का भी इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। अच्छा अब जैसे कि मैं गोश्त टाइप है क्या, किस तरह की चीज़? ज्यादातर वो लोग सब्जी खाना पसंद करते हैं, सब्जी ठीक है, पालक वगैरह सब हो गई ना, ग्रीन्स जितने भी हैं ठीक है, ज्यादा ग्रीन्स, और एक जो हमारा फेमस है मिली मील, हम उसे मिली मील। अच्छा वो बनता कॉर्न मील से है। अच्छा जी, तो होता है वो बेसिकली सिर्फ एक पाउडर्ड फॉर्म में होता है और उसे हमें पानी गरम करके उसे हमें बनाना पड़ता है। अच्छा तो काफी मशी सा होता है, पता नहीं तो ये हम गूगल करेंगे तो आ जाएगा, ये गूगल करेंगे तो आ जाएगा। जाम्बिया में हम उसे लाइक शीमा कहते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर आप केनिया वगैरह में करें ना तो उसके सबके अलग अलग नाम है, उगाली भी बोल सकते हैं आप उसे, पेप भी बोल सकते हैं आप उसे। ओहो लेकिन ये है कि हर अफ्रीकन कंट्री में ये चीज फेमस है। आज तो लग रहा है हम अफ्रीका घूम लिए ना, सारा कुछ जान लिया। अच्छा यहाँ पर ये चिकन हमने फ्राई कर लिया, अब इसका सिर्फ तड़का रहता है, वो भी हम जल्दी से लगा लेते हैं क्योंकि फिर हमारी ब्रेक का टाइम हो जाएगा। अच्छा जी ये है असल जो चिकन 65, ठीक है, खुशबू आ रही है। हाँ ज़बरदस्त प्लेट मेरी इनफ नहीं पड़ रही, इसमें डाल देंगे ना हम, इसी में तो हमने करना है ना, तड़का भी इसी में लगा देंगे। नहीं ये सारा इसमें, चलो तड़का भी इसी में हम लोग कर लेंगे है ना, इसी डिश में ऊपर से डालते हैं या मिक्स करते हैं? मिक्स करते हैं यूजुअली। अच्छा, तो अच्छा अच्छा हाँ तो इसमें मिक्स कर लेंगे। अब तड़के में क्या क्या जाएगा ये बता दें। अच्छा चिकन की, अच्छा ये हो गया इसका काम खत्म, सही है सही है। अब तड़के के ऊपर आ जाते हैं, चलो मैं यही वाला ऑयल थोड़ा यूज कर लूं। हाँ यही करें, बिल्कुल गर्म भी है ना, गर्म भी है, जल्दी हो जाएगा, टाइम हमारा सेव हो जाएगा। अच्छा तेल थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में लेना है तड़के में, तो फिर मैं आपको बड़ा चम्मच, जी बड़ा ही चम्मच दे दूं ना तो ब्रेक ही आ जाएगी। जी जी ये लीजिए, ये सही है ना, फुल स्कूप कर ले। फिर भी ये मैं अच्छे खासे 3 ले लेती हूँ। ठीक है सही है, पर से नहीं 3 बहुत ज्यादा हो जाएगा। ड्राई ही खाते हैं ना जी, इसको ड्राई ही खाते हैं, 3 बहुत ज्यादा हो जाएगा। सही है, क्या क्या जाएगा इसमें देखिए, ये पहले से गर्म है, ये चॉप्ड गार्लिक फ्रेश, मुझे गार्लिक बहुत पसंद है तो मेरा ज़्यादा है, बस इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, मैंने थोड़ा ज़्यादा दिया है, हिसाब से जो फ्लेवर आना चाहिए। ये फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक, फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक, राई, मस्टर्ड सीड राई, ठीक है, तो ये राई डाल दी हमने, सही है। तड़के के बाद ही टेस्ट करूँगी कि कैसी बनी। बिल्कुल अच्छा तड़का ही इसका, पता है हाँ। लेकिन आप किसी भी चीज़ में देख लें, जैसे दाल, अगर आप सिर्फ बॉइल्ड दाल खा रहे हैं
बिल्कुल उसमें तड़का डाल दें। ये हमने जीरा डाला है इसमें, ठीक है। जीरा डाल दिया, डाला है ये बस ऑयल गरम करके चॉप गार्लिक, जीरा और राई, ठीक है। और कड़ी पत्ते बहुत सारे होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैं सारे आई थिंक डाल दूंगी, सही है। और थोड़े से मुझे रखने तक वहाँ पाकिस्तानी मसाले टाइप मिल जाता है, स्टोर्स वगैरह हैं ना? बहुत स्टोर्स हैं, बहुत स्टोर्स हैं। अब हम अगर अफ्रीका का प्लान करें तो कौन सी ऐसी जगहें जहाँ हमें जानी चाहिए? हम जाम्बिया देखें, एक शहर है इनका, और दूसरा दो तीन शहर देख सकते हैं, कोई ट्रिप प्लान करें वेकेशन। शहर नहीं, जाम्बिया कंट्री है, पूरा कंट्री है, पूरा कंट्री है। उसमें कौन सी जगहें? उसमें आप लिविंगस्टन आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। विक्टोरिया फॉल्स इज वर्ल्ड फेमस, ओके। तो विक्टोरिया फॉल्स आप जरूर जाएं, वहाँ अफ्रीकन जो डिजर्ट सफारी, आई लव, लाइक लाइव शो, बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में जो डिजर्ट सफारी है ना, एंड वेरी डेंजरस एज वेल। नहीं, खुला है ना पूरा? खुला है, लेकिन पता है अब इतनी अच्छी लाइक उन लोगों ने सब कुछ सेटिंग वगैरह की हुई है कि कोई इशू इतने नहीं होते। चलो भाई, जाना चाहिए, बजट निकालते हैं जरा। हाँ, बस आपको डर नहीं लगना है, पता चला सामने आपने देखा शेर आ रहा है, आप वहीं से डर गए, उसने जरा भी पैनिक क्रिएट हो गया, शोर किया तो हम गए। लेकिन अगर आप वहाँ जाए ना, ये दो चीजें जो आपने कभी मिस नहीं करनी है। सही है, देखें ये ऑलमोस्ट रेडी, और इसको हम ऊपर से उसी में ही डाल देंगे, उसी में ये सारा चिकन में डाल के ना मिक्स कर दूंगी, या चिकन इसमें डाल रही हैं? जी चिकन, ठीक है। हाँ, ये कर दें, और फिर ये भी रेडी है। प्लस मैं ये भी निकाल देती हूँ ताकि लोग देख लें आपने गार्निश किस तरीके से किया हुआ है। ले जी, हम सेट कर देते हैं क्योंकि अब बेक आएगी। आज हम आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी मेहमान से जो क्ले डो से ज्वेलरी तैयार करती हैं, और वो किस तरह की ज्वेलरी होती है, कैसे बनाई जाती है, ये सारी बातें हम उनसे आज जानेंगे। ये देख लीजिए, ये एगलेस मूस है, और ये गया चिकन 65। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। आपने देखा तड़का, जैसे ही मैंने तड़के में इसको ऐड किया पूरा सब कुछ चेंज हो गया, बिल्कुल हर चीज़ वो खाने में भी बहुत मज़े की लग रही है। ट्राई करते हैं, आई होप चिकन गल गई हो, हमने गल गई होगी, डीप फ्राई हुई है। मैं इसको बस रेसिपी आप सब लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वेरी नाइस, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा, मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। और वक्त कैसे गुजरा? इट वाज एक्चुअली माय ड्रीम टू कम हियर। हाँ, बचपन से देख रही है भाई, बचपन से देख रहे हैं, मतलब ख्वाब सच होते हैं, देखना मत छोड़ें, ख्वाब देखते रहें। ये बात तो खैर है, और बड़े ख्वाब। मुझे रिसेंटली ही अभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि इंसान को जो लाइक सच में करना होता है ना, उसकी चाहत पूरी हो जाती है। ये तो खैर है, जो आपको करना है। देखें ये हो गया, ठीक है, इसमें से डिश आउट कर लेते हैं। वेरी नाइस, इसको थोड़ा सा ना मैं गार्निश कर देती हूँ चिली के साथ, हाँ, और मज़ीद खूबसूरत लगेगा। मैं तो ट्राई करने के लिए बस इंतज़ार में हूँ, बिल्कुल छोटा पीस लेके ट्राई करती हूँ। कैलोरीज अगर ज्यादा खा गए तो कैलोरीज ज्यादा है। अरे कैलोरीज का तुम, अच्छा वो मसला नहीं है, मेरा कोई मसला नहीं, मैं सब ये रख चुनना पीस। चलो जी, गरम बहुत है तो ठहर के, गरम बहुत ज्यादा है। हाँ, आप गार्निश कर लीजिए भाई, बहुत मज़े की रेसिपी और डिफरेंट रेसिपी, और आपसे जो गपशप लगी वो भी बहुत मज़ेदार लगी। थैंक यू सो मच, आई होप आपने जाम्बिया इंजॉय किया होगा। अब जाकर करेंगे, अब करके मुझे साथ, मैं जब जाऊंगी ना तभी आइएगा आप। हाँ, आप कब जा रही हैं? पहले आपका यहाँ से तो काम वाम थोड़ा सा, लेकिन घूमने तो घर जाऊंगी ना, वेकेशन कर लेंगे। पहले वेकेशंस पे हम पाकिस्तान आते थे, ये मेरी टूर गाइड बन जाएंगे। अच्छा, वहाँ की करेंसी कौन सी है? क्वाचा। क्वाचा क्वाचा क्वाचा, और क्या रेट क्या चल रहा है उसका आजकल? क्या रेट चल रहा है वैसे, क्या है हमें मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा, ये रेट्स क्या, रेट जितने ज्यादा भाई गूगल करें, भाई आप लोग ही बताएं, गूगल कर लेना प्लीज, आप लोग कॉल करके मुझे भी बता दीजिएगा, मुझे भी बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी, ये आप गार्निश कीजिए, और हम साथ साथ आपका थैंक यू करना चाहेंगे आतिका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, नो प्लेजर इज ऑल आवर्स। आप आई और मज़ेदार सी रेसिपीज शेयर की। अच्छा जी, अब हम एक ब्रेक है, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं, और फिर आज का जो हम आपको दिखाएंगे, जो हमारी स्पेशल मेहमान है, उनकी ज्वेलरी जो वो क्ले डो से बनाती है वो किस तरीके की है, और कहाँ पर अवेलेबल है, कैसे हम ले सकते हैं, ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
चिकन 65, अज्जा बोनलेस चिकन 250 ग्राम, नमक हसबे ज़रूरत, पेपरिका एक चाय का चमचा, कश्मीरी मिर्च पाउडर एक चाय का चमचा, धनिया पाउडर एक चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 1 खाने का चमचा, ऑरेंज कलर एक चुटकी, अंडा 1 अदद, राई 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन चंद जवे, कड़ी पत्ते चंद अदद, कुटी लाल मिर्च हसबे ज़रूरत। अजय जी खुश आमदीद। अच्छा सबसे पहले तो मैं ज़रा फीडबैक दे दूँ, वो जो चिकन 65 अभी आतिका बना के गई हैं वो बहुत ही मज़ेदार थी। मैंने कहा कि मैं उसको ट्राई करूँगी, चिकन भी अच्छी गली हुई थी, बहुत डिफरेंट फ्लेवर था, कुछ कह सकते हैं कि ग्रिल्ड भी था और टिक्का स्टाइल भी था, इस तरह का था फ्लेवर उसकी जो टेक्सचर और वो था। आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को इस तरह के खाने बड़े पसंद आते हैं, हम लोग बारबेक्यू वाले चीज़ें खाते हैं, इस तरह की बोटियाँ और टिक्के शिक्के, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी अब वक्त हो गया है कि आपकी मुलाकात करवाएं एक बहुत ही ख़ास मेहमान से, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास किस्म की ज्वेलरी बनाती हैं क्ले डो से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरियम अमीन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ स्टोन एंड क्ले बाय मरियम। अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल है आपके? आई एम फाइन, व्हाट्स अबाउट यू? भाई मैं तो हैरान, पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा ये क्ले पॉट्स वगैरह होंगे, ये ज्वेलरी शायद गलती से ले लिया होगा। एक्चुअली यहां पर बहुत इसका अवेयरनेस बिल्कुल वैसे है नहीं, पॉलीमर बिल्कुल, अब तो फिर भी लाइक जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था तो फिर बिल्कुल भी नहीं थी, अब तो फिर भी ये कि थोड़ा लोगों को ऐसे ऐसे पॉपअप्स के थ्रू एंड ऑल लोगों को पता चलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन पहले बिल्कुल भी लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था। आपको कैसे पता चला था इस क्ले ज्वेलरी के बारे में? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो लाइक 5 to 6 ईयर बैक मैं पेंटिंग्स एंड कैलीग्राफीज भी करती थी। यू आर एन आर्ट लवर, मतलब आर्टिस्टिक है यार, कह सकते हैं बिल्कुल। तो उसके थ्रू जो है मैं काफी यूजुअली यूएस में और कनाडा में बहुत ज्यादा पॉलीमर क्ले की ज्वेलरी पहनी जाती है, तो उसकी रील्स देख देख कर और उसके थ्रू ये कि काफी आपको मुझे थोड़ा हुआ कि क्यों मतलब कर सकते हैं। एज अ बिजनेस मैंने ये बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था, ये शौक हुआ कि ये क्या है, बस ऐसे ही एज अ हॉबी स्टार्ट की, कोई नहीं। और क्ले यू नो कि कितनी सेटिस्फाइंग होती है, कितनी क्ले में एक अलग ही वो होता है, तो उसके थ्रू बस मैंने स्टार्ट किया ये बस। और मेरी ये कि थोड़ी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मैंने बस मामा से कहा कि मुझे क्ले ऑर्डर करनी है एंड ऑल, तो मैंने फिर स्टार्ट किया क्ले, मतलब मैंने ऑर्डर की, मैंने इसको बस एक रफ वो किया कि मैं ट्राई करती हूँ कि होता क्या है, बनती कैसे है, लेकिन वो जब मैंने क्योंकि ये डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, इसको पूरी बेकिंग प्रोसेस होता है इसका, पहले आप पूरा डिजाइन करते हैं प्रोसीजर, या एग्जैक्टली अराउंड 45 मिनट्स लग जाते हैं 1 to 2 पीसेस में। तो पहले फिर मैंने इसको पूरा डिजाइन किया, फिर इसको मैं बेकिंग की तरफ लेकर गई, फिर लेकिन बेकिंग के बाद ये काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। अच्छा तो इसका क्या प्रोसीजर होता है ये क्ले? या इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि बेसिकली होती सिंपल क्ले, नॉर्मल बचपन वाली क्ले हम पॉट्स बनाते हैं ना, वो बिल्कुल वो होती है फाइन आर्ट्स वाली, दूसरी क्ले होती है वो प्लेडो टाइप। एग्जैक्टली जो बचपन में भी हम जैसे प्लेडो खेलते थे वो प्लास्टर ऑफ या व्हाइट कलर की एक आती थी, एग्जैक्टली फिर पेंट होती थी, ये कलर्ड क्ले होती है ये, लाइक इसको बस आपने यूजुअली नॉर्मल क्ले की तरह ही दिखती है, इसको बस डिजाइनिंग करके पूरी इसकी ये चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं जो आपने रील्स जैसे देखी हैं आप कह रहे हो। या बेसिकली अब तो मैंने इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लिया, लेकिन मैं आपको शुरू से बताती हूँ, पहले ये कि पाकिस्तान में अवेलेबल है बिल्कुल ये क्ले, लेकिन ये कि उसकी थोड़ी सी ना ऑब्वियसली थोड़ी क्योंकि यहाँ पर इतने लोगों को पता नहीं है तो क्ले इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है बिल्कुल, तो मैंने खैर स्टार्ट यहीं से किया था उसको डिज़ाइन करके, फिर इसको 45 मिनट्स के लिए बेक करते हैं, लाइक 40 मिनट्स के लिए 80 डिग्रीज पे। तो लेकिन ये कि जब मैंने बेक करके लाइक पहली ट्राई बता रही हूँ तो ये कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, मैंने ये एक्सपेक्ट किया नहीं था इतने अच्छे इसके रिजल्ट्स होंगे। अच्छा तो काफ़ी अच्छा रहा वो, उसके बाद मैंने 4 to 5 मंथ्स इसको बिल्कुल ट्रायल बेसिस पर ले गई, मैंने इसके बहुत सारे ट्रायल्स किए, क्योंकि जब बेक हो जाती है तो ये आपकी बिल्कुल सही बनी है इसका ये होता है कि स्ट्रेचेबल हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। अच्छा क्योंकि यूजुअली लोगों को लगता है कि क्ले टूट जाएगी पहनने से ज्वेलरी है, मैं तो हैरान हूँ कि क्ले से ज्वेलरी बन कैसे रही है, मतलब ज्वेलरी में तो थोड़ी सी नफासत होती है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्ले को बहुत छोटी चीज़ें होती हैं पूरा, तो इट्स जस्ट क्ले या कुछ स्टोन्स के साथ आप कुछ करते हैं? बिल्कुल अब पहले भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल क्ले पर था, अब तो उसमें है कि पर्ल्स की मेटल्स की काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, और बिजनेस के अंदर मैंने दूसी ज्वेलरी भी एड ऑन कर दी है, लाइक जो कोरियन टाइप होती है, फिर टर्किश होती है, अच्छा तो वो मैंने काफ़ी इसमें ऐड कर दिया। तो अब एज अ बिजनेस इसको लेकर फिर मैं इसको 4-5 मंथ्स बाद मैंने काफ़ी ट्रायल्स किए कि सही अच्छा मिला मरियम आपको उसके बाद, या जो मेरे फर्स्ट मैंने उसके बाद फिर ऑनलाइन इसको लेकर आई पहले मैं, उसके बाद फिर मैंने इसके पॉपअप स्टार्ट किए। ये मशवरा किसने दिया था कि ऑनलाइन अब इसको जरा बेचना शुरू किया? एक्चुअली जो मैं बता रही हूँ ना मेरी कैलीग्राफी वाली एक मैं करती थी वो भी मैंने उसे प्रोफेशनल लेवल पर ले गई थी, तो मैंने कहा इसको भी लेके आ सकती हूँ, तो उसको मैंने फिर स्टार्ट किया, फिर मैंने पहले तो ऑनलाइन से किया, उसके बाद फिर पॉपअप्स होना स्टार्ट हुए थे 2022 में, फिर काफ़ी स्टार्ट हो गए थे होना, यूजुअली एग्जीबिशन होती थी एंड
एंड ऑल, तो उसमें फिर मैंने स्टार्ट किया। अब तो मैंने काफ़ी अराउंड 18-19 पॉपअप्स कर लिए हैं। अच्छा। और इसके अलावा मैंने दूसरी सिटीज़ में भी किए हैं, लाइक लाहौर और इस्लामाबाद में भी काफ़ी। अभी कोई अपकमिंग एग्जीबिशन आ रहा है लोगों को अगर लेना हो? एक्चुअली आई एम अ को फाउंडर ऑफ द इनोवेटर्स कराची एज वेल, तो उसकी मेरी अपनी ही एक एग्जीबिशन है जो कि 28th and 29th September को हैबिट सिटी में, उसमें स्टोन एनक्लेव बिल्कुल होगा। और इसकी आप जितनी भी पब्लिसिटी होगी या प्रमोशन होगी कौन से किस पेज पर करेंगी ताकि लोगों को? बिल्कुल, ये मेरे अपने जो स्टोन एनक्लेव बाय मरियम का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पे अवेलेबल है, हम पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, उस पे हर जगह ये हो रही होती है प्रमोशन। मरियम, अभी भी आप अकेले इस चीज़ पे इस पे काम कर रही हैं, देख रही हैं, या टीम वर्क है कुछ? टीम वर्क बिल्कुल है, लाइक डिजाइनिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है वो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि कोई और ऑब्वियसली क्ले से नहीं वो कर सकता, इसके लिए आपको प्रॉपर आर्टिस्ट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। फिर इसका सिर्फ ये नहीं होता, बेकिंग के बाद इसके ऊपर हुक्स लगते हैं, इसके जंप रिंग्स होते हैं, वो सब जो है फिर मेरी टीम कर लेती है, क्योंकि पैकेजिंग होती है, कार्ड्स पे लगती है ज्वेलरी, वो सब फिर मेरी टीम देख लेती है, लेकिन डिजाइनिंग पूरा प्रोसेस नहीं करती हूँ। और फैमिली का क्या रिएक्शन जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, और किस तरह का एक रिस्पांस आया यहाँ की पब्लिक को, क्योंकि इतना पता नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, शायद वो इस चीज़ को, ये भी होता ना कि इंपॉर्टेंस दे ना दे, उनको समझ में आए ना आए, तो क्या रिस्पांस मिला लोगों का? फैमिली बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरी मामा बहुत सपोर्टिव है, मेरे फादर भी बहुत सपोर्टिव है। जैसे हम लोग रमजान में यूजली कभी ट्रैवल नहीं करते हैं, लेकिन मेरा एक पॉपअप था जो लाहौर में था, तो फिर मामा ने ट्रैवल किया और हम लोग इफ्तारी से सहरी तक वहाँ पर थे, यू नो कि रमजान में एक अलग इन्वायरमेंट होता है, नहीं ट्रैवल करते हैं तो, लेकिन बहुत सपोर्टिव है वो। तो मतलब अभी मेरा ये शो का मुझे कॉल आई तो मेरा कल एग्जाम है। अच्छा, तो मैंने किस चीज़ का एग्जाम दे रही? मैं लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी का भी। अच्छा, तो वो साथ साथ क्या कर रही है, कोई सब्जेक्ट खास? या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ओके, तो उसका एग्जाम था, तो मामा कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, एग्जाम चलते रहते, ये भी करो, ये भी कर लो। नहीं, बहुत सपोर्टिव है, माइंड थोड़ा सा अच्छा है ना, वो एक्टिव रहता है और हेल्दी रहता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो बहुत ये कि बिजी भी बहुत, क्योंकि 400 to 500 पीसेज भी हों तो डिजाइन मैंने पूरे खुद ही करने होते हैं। अच्छा, ऑर्डर्स देते हैं लोग आपको? ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू, अब तो मैं थोड़ा उस प्लानिंग फेज में भी हूँ कि अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करूँ इंशाल्लाह। और फिर अभी लास्ट सेमेस्टर मैं टर्की गई थी यूनिवर्सिटी के थ्रू फॉर वन सेमेस्टर, लाइक 6 months मैं वहीं पे रही थी, तो मैंने टर्की की मार्केट भी बहुत एक्सप्लोर की, जबरदस्त, कि वहाँ पर कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। वहाँ भी ये चीज़ें हैं क्ले की, ये सारी क्ले ज्वेलरी? तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस भी है, क्योंकि वहाँ की क्ले, वहाँ पर फिर मैंने अपनी पूरी ट्रांसफॉर्म में आपको बता रही थी वो कर दी, मैंने वहाँ की पूरी क्ले ट्रांसफॉर्म कर दी, अब मैं वो सारी क्ले यूज़ कर रही हूँ, फिर बाकी जो बाहर से आ रही है वो क्ले, तो एक्सपेंसिव भी होगी। भाई रेट्स क्या है, क्या है, किस तरह की ये दिखती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं मत जाइए, इट्स अ सरप्राइज। अजय जी खुशामदीद, मरियम यहाँ पर हाजिर हैं जो के बनाती हैं क्ले डो से ज्वेलरी। अभी हम आपको ज्वेलरी भी दिखाते हैं, थोड़ा सा प्रोसीजर भी ज़रा बताते चलें कि ये आसान है मुश्किल है। एक ज्वेलरी को आपने कहा 40 to 45, क्योंकि बेकिंग का टाइम ही सिर्फ 40 minutes होता है एक पीस के लिए, तो डिजाइनिंग में 15 to 20 minutes एक पीस पे लग जाते हैं। ठीक है। और अब तो ये इंपोर्टेड क्ले डो का आप इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि कटर्स वगैरह भी पाकिस्तान में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, लाइक इस टाइप की क्वालिटी में फर्क भी आता होगा जो एग्जैक्टली जो मेरे पहले पीसेज होते थे उनमें अब काफी डिफरेंस है, वो फिनिशिंग वगैरह वो थोड़ी सी। और अब जब आपका मतलब ऑनलाइन या फिर मंगवा लेती हो सारी, मेरे काफी फ्रेंड्स भी हैं अब वहाँ पर, तो ये कि इतना ज्यादा इशू नहीं होता। मैं अभी खुद भी लाइक June 21 को ही आई हूँ, तो मैं अपना काफी सारा स्टॉक भी है। चलो अच्छा, इस बहाने ट्रिप भी हो जाता ना भैया, वो डो लेने जाना है तो चलो जरूर। माँ बाप तो वैसे ही चले गए भाई आपके एग्जीबिशन के लिए लाहौर। अच्छा जी, इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं? सो सबसे पहले हमने क्ले लेनी होती है, लाइक सिंपल ये व्हाइट क्ले है, इसके बाद हम ये बेसिकली जो डिजाइन बना रहे हैं, क्योंकि आप चपाती स्टाइल आपने उसको रोल कर दिया या बिल्कुल, ये जो रोलिंग पेन होती है उसके साथ, उसके बाद ये सैंड पेपर, ये टेक्सचर्ड रोलिंग पेन्स भी आती हैं, लेकिन ये कि मैं अभी फिलहाल ये सैंड पेपर जो होता है बेसिकली उससे हम टेक्सचर भी दे सकते हैं। अच्छा सही है, ये हमने इसे टेक्सचर देकर आर्टिस्टिक माइंड तो है ही, तो वो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह हर चीज़ और काफ़ी सारे डिजाइंस, मतलब जो जैसे एग्जीबिशंस में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे डिजाइन आपके सेल आउट होते हैं, तो फिर वो हम यूजुअली ज़्यादा बना रहे हैं। अच्छा, वो वाइट है और ये ऑरेंज, ये इसी तरह की कलर्ड आती है या कुछ कलर मिक्सिंग? नहीं, इसकी कलर्ड आती है। अब जैसे जो हमारे बेसिक प्राइमरी कलर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन अब समझे आपने कोई मॉव बनाना है, कोई शेड देना, तो फिर आपकी खुद कलर मिक्सिंग करके आपको वो करना पड़ता है दोनों डो को मिक्स। या एग्जैक्टली, फिर हम इसका जो एक राउंड कटर, क्योंकि राउंड शेप बनेगा तो राउंड हम इसको कटर से कट कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, वो जो एयरिंग्स साथ में रखे हुए हैं ये इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बेकिंग का ऑब्वियसली टाइम नहीं था, तो फिर वो एक वो मैं बना हुआ पीस लेकर आ गई थी। सही है,
इंटरेस्टिंग है, मैं देख रही थी छोटे छोटे पीसेस, बड़े पीसेस सब बहुत, और ज्यादातर इयररिंग्स ही बनाते हो मरियम या कुछ और भी है? अच्छा, इसमें ज्यादातर जो है डेंगल्स और स्टड्स होते हैं, फिर लॉकेट्स भी होते हैं, लेकिन वो यूजुअली इतने ज्यादा नहीं होते क्योंकि वो कोरियन और जो टर्किश ज्वेलरी होती है वो उसमें ज्यादातर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसमें हम क्ले के यूजुअली डेंगल्स और स्टड्स होते हैं, और रिंग में भी बहुत ज्यादा ब्रेसलेट्स वगैरह भी बना सकती हो, प्लेन वो चूड़ी के ऊपर ये हैंगिंग्स रख सकती हो, ब्रेसलेट्स बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमने इसकी पम्पकिन इयररिंग्स हैं बेसिकली, हाँ। है, तो हमने इसकी ऑरेंज पम्पकिंस कट कर लिए हैं। अच्छा, छोटी छोटी, तो ये हर साइज के हर शेप का कटर हो जी? जो बिल्कुल शेप बिल्कुल, ये जैसे ये कटर है तो इसमें हाँ। बिल्कुल माइन्यूट इतना भी साइज होता है, इतना बहुत छोटा सा, वो तो हैंडल करना ही है इसको, एग्जैक्टली बहुत, क्योंकि होल करने के लिए जंप रिंग लगती है उसके अंदर, तो उसके लिए होता है। इस आपके इस शौक ने कितनी जगह घेरी हुई है घर में? पूरा एक अलग से रूम है इसके लिए डेजिग्नेटेड है, तो इसको फिर हम लाइक इसके ऊपर जितनी भी डेकोर होता है वो हम फिर यूं करते हैं। सही है। अच्छा जी, ये दो गिफ्ट्स तो मेरे लिए लेकर आई है मरियम, आप लोगों के लिए भी लेकर आए हैं, आप लोग नाराज़ ना होइए। ये है, ये SCM स्टोन एंड क्ले बाय मरियम, स्टोन क्ले मरियम, स्टोन एंड क्ले बाय मरियम, ठीक है। सो इसके पम्पकिंस के बाद थोड़े से लीव्स हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये लॉन्ग लास्टिंग कितने होते हैं, मतलब इनको थोड़ी सी एहतियात तो करनी पड़ती होगी ना? या इसका बेसिकली, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये भी होता है, जो हमारी नॉर्मल सिल्वर एंड गोल्डन आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो ब्लैक भी हो जाती है, तो इसका ये होता है कि इसका वॉश भी कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा, और जो हमारे अल्कोहलिक पैड्स आते हैं उससे आप बस अगर डस्ट पड़ गई है तो उसे रब करते हैं तो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, ये आप बेशक वो बना रही हैं, यहाँ पर ज़रा ये वैरायटी देखें, ये फ्लावर्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये डेजीज का इतना खूबसूरत लग रहा है, और ये उसका है बम्बल बी का, या हनी बी, हनी बी है, और वो रेनबो है। मैं इसमें भी देख रही थी, इनकी काफ़ी कलेक्शन थी, कुछ आपने सिल्वर टाइप की भी इसमें इस्तेमाल किया ना, मैं ज़रा दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, ये सर्टन एज ग्रुप के लिए है, वैसे तो बच्चियों के लिए लड़कियों के लिए है, बट अगर इसे हम जैसे पहनना चाहें ना तो हम भी पहन सकते हैं। ये देखें, दिस इज़ सो वेयरेबल, ये वाला क्लोज करें ये, और एक और इसमें मुझे बहुत, हाँ, ये ब्लैक के साथ सिल्वर, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, स्मार्ट सा, डिफरेंट कलर्स। अच्छा, कस्टमाइज भी कर देती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमाइजेशन बहुत लोग यूजुअली कस्टमाइज करवा रहे होते हैं, जैसे अगर समझेंगे ये वाला डिज़ाइन है तो इसको अब आपको ऑरेंज में लेना है, तो फिर ये कि वो पूरा दोबारा से बनेगा वो वाला पीस, तो फिर और बहुत सारे नेम्स वगैरह का भी होता है कि नेम स्टैम्प्ड वाले, तो वो भी इनिशियल्स भी कस्टमाइज करवा रहे होते हैं, बेशुमार डिज़ाइन। या इसके बाद हमने ये पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर एक कॉमन पिन से हम इसके ऊपर पूरा डिज़ाइनिंग करते हैं, जैसे पम्पकिन की ऊपर से टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। तो मरियम आप बहुत एक्सपर्ट हो गई होंगी है ना, या आप 10 मिनट्स में जल्दी से हो जाते हैं यानी 45 मिनट्स में बेकिंग के बाद, सूखने के बाद, ड्राई उसकी वॉशिंग के बाद पूरा हो जाता है। फिर इसके ना जो जंप रिंग्स वगैरह लगते हैं, जैसे ये है तो इसके ना जंप रिंग, हनी भी, ये पूरा बाद का प्रोसीजर होता है, बेक होने के बाद ये पूरे लगते हैं। अच्छा, अलग से भी एक्सेसरीज या कुछ चीज़ें चिपकानी हो, जैसे यहाँ पे सिल्वर, एग्जैक्टली जैसे ये वाला है, इसके अंदर ये पर्ल्स पूरे अलग से बाद में लगते हैं, फिर ये जो पीछे हुक्स होते हैं ये पूरे बाद में लगते हैं, तो ये पूरा हैंडमेड, पूरा लाइक शुरू से लास्ट तक हैंडमेड होता है पूरा प्रोसीजर इसका। तो आप जब एग्जीबिशन करती हैं रिस्पांस अच्छा आता है? एग्जैक्टली, या जो मैंने अभी लास्ट टाइम किए थे, क्योंकि अभी 6 मंथ्स का बेसिकली गैप आ गया था, मैं थी नहीं, तो लेकिन जो उससे लास्ट मैंने लाहौर में किए थे, फिर कराची में 2 किए थे जाने से पहले, बहुत अच्छे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब थोड़ा लोगों को पता भी चल गया कि टूटती नहीं है ये वाली क्ले, नहीं है कि फौरन पहनने से टूट जाएगी। अच्छा, अभी तो हम प्राइसिंग भी ज़रा जानेंगे, और ये आपने ये कर लिया इसको? या एग्जैक्टली, ये बस एक बिल्कुल रफ सा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया कि हम करते कैसे। ये जब डिजाइन मुकम्मल हो जाता है फिर आप इसको बेक करते हैं? या ये बेकिंग के बाद हमारा ये इस टाइप का पीस, और ये बेक मतलब नॉर्मल ओवन में, नॉर्मल ओवन में बिल्कुल, एक टेम्परेचर होता है इसका, क्योंकि आपको थोड़े ट्रायल्स करने पड़ते हैं, हर किसी की क्ले डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, मेरी 45 मिनट्स में हो रही है, तो किसी की शायद 35 मिनट्स में थोड़ी ज्यादा ब्लैक हो जाए, तो ये थोड़ा सा आपको टेम्परेचर मैनेज करना होता है, वो टाइम के साथ आपको। और ये ट्रे में रख कर ही आप उसको बेक करती हो? या ठंडा हो जाता है तो वो खुद ही सख्त, वो हार्ड हो जाता है ठंडा होने के बाद, फिर आप इसको वॉशिंग पूरा करके, फिर उसके बाद ये हुक्स वगैरह इसके पूरी लगती है। Yes.
तो ये सारे, और ये क्या, ये है, ये असल फॉर्म है क्ले का? या ये बिल्कुल, ये बिल्कुल न्यू पीस है क्ले का, तो ये इस फॉर्म में आती है बेसिकली। सही। और ये कलर्ड है, स्लैब्स होते हैं या ये थोड़ी थोड़ी, फिर इसको मिक्स करते हैं तो डिफरेंट शेड बनाने के लिए, फिर तो ये डिफरेंट। आपने क्यों नहीं पहना हुआ? ये मेरा ही है, ये क्ले का ही। या ये क्ले का ही। अच्छा, बिल्कुल नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि वो वैसा ही, वो चाइन, ये जो आपने लॉक, ये तो नहीं, नहीं नहीं ये क्ले का नहीं है। मैं ये कह रही थी कि खुद ने क्यों नहीं पहना हुआ। नहीं नहीं, मैंने सोचा था आज मैं जरूर पहनूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते, तो सही। अच्छा, कुछ लोग बैंड्स भी बना सकते हैं, या बनाती हो बैंड्स वगैरह? या या बच्चों की यूजुअली होता है, क्योंकि बच्चे स्टड्स नहीं पहनते नेगल्स, तो उनकी पिंस होती हैं, लाइक जो हेयर पिंस होती हैं, तो वो पूरी प्रॉपर क्ले से स्टे नाइट्स वाली यूजुअली होती हैं, बहुत अच्छी सी, वो क्यूट सी होती हैं। सही है। तो आप लोगों ने इनका, वो मेरे ख्याल से हमने वो दिखाया है कि किस तरीके से घर पर वो तैयार करती हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद इनकी जो कलेक्शन है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और इनकी प्राइसेस क्या हैं, अब इस हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। स्टे विद अस। देखें जी, बालियाँ भी हैं, बालियाँ भी बना सकते हैं आप, इसमें कोई भी हैंगिंग हो आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। आप इनका पेज अगर विजिट करेंगे तो ये सारी वैरायटी, आपने सारी पिक्चर्स पिक्चर्स सब डाल दी, अवेलेबल होती है, डीएम करेंगे तो हम उस पे प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, वेबसाइट तो अभी नहीं किया है? या वेबसाइट अभी हम वो उसके प्लानिंग फेज में, वो भी इजी हो जाएगा। कौन मेंटेन कर रहा है ये सारा, इंस्टा पे सारे पेज? ये कि मेरी ग्राफिक्स में एक होते हैं, फिर मेरी जो पूरी हुप्स वगैरह के हैं उसमें एक पार्टनर है, तो ये कि वो मैनेज हो जाता है, वो टीम है भाई। हां, तो सारे अपने काम भी चल रहे हैं। अच्छा, ये भी था, ये कोई खास चीज बनाई नहीं? ये सिगरेट्स हैं बेसिकली। सिगरेट्स? ओह क्यूट, लॉन्ग सी, बड़े मज़ेदार सी है ये चीज़ें। अच्छा, ये भी बहुत ही उस तरह का लग रहा है, वो ईविल आई वाला अफेक्ट आ रहा है इसका। अच्छा, अब प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो आपकी क्या रेंज क्या है, अगर सिर्फ एयरिंग्स की, स्टड्स की, इस तरीके की जो है? अच्छा, स्टड्स बेसिकली बहुत रीजनेबल प्राइसिंग पे हैं, ये हमारे 650 से स्टार्ट होकर फिर सो ऑन हमारा 2100, क्योंकि कुछ हैवी पीसेस होते हैं, जैसे हनी बी वाला है, इसके ना पूरा स्टर्लिंग चार्म होता है और ये थोड़ा हैवी पीस होता है, तो ये हमारा फिर 1800 तक जाता है। अच्छा, अब जैसे जो ये वाले हैं, ये हमारे 650-550 इससे स्टार्ट हो रही होती है। इस तरीके से सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम आपका कितने तक का होता है? अराउंड 2400-2500 से ज़्यादा नहीं होता है, इतनी ही हमारी रेंज होती है। हाँ, जो हमारे लाइक कुछ स्टर्लिंग आइटम्स होते हैं जो हैंडमेड नहीं होते हैं, वो कुछ आइटम्स फिर भी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये वाली हमारी रेंज इतनी ही होती है। ठीक है। अच्छा, आप बना रही हैं एयररिंग्स वगैरह हैं, बालियां वगैरह, स्टड्स हैं, कान की एक्सेसरीज हैं, इसके अलावा आप लॉकेट्स वगैरह भी बना रहे हो, ये क्या क्या? जी बिल्कुल, उसके भी होते हैं, पेंडेंट्स भी होते हैं, फिर रिंग्स भी होती हैं, लेकिन रिंग्स में यूजुअली साइज के थोड़े इश्यूज होते हैं, तो हमारी कम रेंज होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। सबसे जो मोस्ट सेलिंग होते हैं वो हमारे डेंगल्स होते हैं, जैसे वो पम्पकिन वाले हैं, ये वाला हनी बीज वाला है, ये वाला हमारा बहुत अच्छा है। अभी दो चीज़ें तो मैं आपसे कह रही थी, आप वो हेयर बैंड्स बनाए, वो काफ़ी वो लोगों को, और वो हाथ के जैसे ब्रेसलेट्स होते हैं, ब्रेसलेट पे भी हम परमानेंट ज्वेलरी भी अब यूजुअली कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंड में, तो वो चार्म्स वाली, और वो लोगों को जो जिस टाइप का वो चार्म्स भी क्ले में होते हैं। अच्छा, तो वो एक थोड़ी डिफ्रेंशिएट वो करता है सारी। तो दोस्तों को जब कभी गिफ्ट देना होता होगा तो बहुत यही निकाल के दे देती होगी, है ना? एग्जैक्टली, मतलब एक बहुत, एक तो लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि एक हाथ से बनाई हुई चीज, और मेरे लिए भी थोड़ी फिजिबिलिटी हो जाती है कि चलो है ही तो। नहीं नहीं, वो अच्छी बात है ना, अपने ब्रांड को ही हम प्रमोट करेंगे। तो गिफ्ट में भी ये होता, मेरे साथ भी यही है, मैं भी अपने ही ब्रांड देती रहती हूँ दोस्तों को। अभी रिसेंटली मैंने यूएस में भी लॉन्च किया, यूएस की मार्केट में भी इसको मैंने अपना फर्स्ट बैच सेंड आउट किया है, लेकिन अभी उसकी पूरी प्रॉपर होगा। वहाँ पर क्या मार्केट किस तरीके से आपने किया? वहाँ पर अभी यूजुअली जिस तरह यहाँ पे पॉपअप्स होते हैं, वहाँ पर भी होते हैं। फ्रेंड ऑफ माइन इज लाइक लिविंग ओवर देयर, तो वो फिर मेरा पूरा प्रोसीड करेगी, तो ये कि वहाँ पर, लेकिन मैंने कहा एज अ स्टार्ट ले सकते हैं हम, दूसरी मार्केट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सही है। तो और वहाँ पर यूजुअली इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है पॉलीमर क्ले का, वहाँ पहनते ही लोग ही हैं, वहाँ पर सिल्वर गोल्ड का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं होता, तो इस वजह से भी वहाँ पर आई थिंक थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। और मेरे ख्याल से वो उस तरह की जो जगह क्या कहते हैं, बहामा स्टाइल और वो तरह का ना, इस तरह में ज्वेलरी वगैरह, नेकलेसेस वगैरह इस तरीके के बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर वो थोड़ा वो एडवांस है। तो इसमें क्या अपग्रेड करते रहना होता है, अपने आप को अपडेट करते रहो, नई नई कोई टेक्निक्स आती हैं? क्योंकि जैसे बिल्कुल जब मैंने स्टार्ट किया था तो लाइक कटर्स का इतना ट्रेंड नहीं था, मुझे पता भी नहीं था पाकिस्तान में अवेलेबल है, पाकिस्तान में थे भी नहीं एक्चुअली कटर्स अवेलेबल, तो वहाँ पर इतने क्यूट कटर्स होते हैं, लाइक कैट की शेप का कटर होगा, लीफ की शेप का होगा, यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, थोड़ी सी वो फिर एक बाउंड्री आ जाती है उसमें, लिमिटेशन आ जाती है। तो ये कि लेकिन करती रहती हूँ, जहाँ से मुझे कोई अच्छा कटर मिलता है कहीं से भी, अभी मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, थोड़ा मसला होता है शिपिंग में, लेकिन ये कि थोड़ी डिफरेंट चीज़ हो जाती है, कहीं पे भी नहीं हो रही होती। तो बस ये रील्स आपने देखी और आप फैसिनेट हुई, मैं ये सोच रही थी कि क्ले के साथ ये क्या चीज़ है।
वो भी बिल्कुल हट कर आपने चीज चुनी है। Exactly. ये भी नहीं ना कि कोई नॉर्मल सी यहाँ पर हो। यूजुअली सबका यही होता है कि जो अब एक्चुअली जो चीज मार्केट में होती है फिर उसको मतलब दोबारा से आप वो कर लो तो इतना अच्छा रिस्पांस आया था। अब कोई और कर रहा है कि अब है दो तीन मेरे जाने वाले फेलो क्रिएटर्स हैं वो कर रहे हैं, उनका भी बहुत अच्छा काम है। तो ये कि अब है, अब लोगों को भी इसलिए आइडिया हो गया क्योंकि ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो ये आई थिंक अच्छी चीज है। वो लोग जो क्ले यूज करते हैं वो लोकली कर रहे होंगे या बाहर? अब इट डिपेंड्स, आई थिंक पाकिस्तान में तो वो अवेलेबल होती है जो मैं भी पहले करती थी। यहाँ पर कोई ऐसी चीज बनी भी है जो पिछले वो लोकल क्ले की बनी हुई है? आई थिंक ये तो ऐसे सारे नए पीसेज ही हैं। अच्छा, ये सारे आई थिंक ये वाला पुराना पीस है या ये वाला, बाकी सब ये वाली तो पूरी हम शायद डिफरेंस ना मेकअप कर सके। एग्जैक्टली, वो आई थिंक मेकिंग में भी फर्क होता है, वो थोड़ी सॉफ्ट और उसका भी फर्क आ जाता है, थोड़ा हार्ड होती है क्ले को हैंडलिंग में थोड़ा सा एग्जैक्टली इजी वो हो जाता होगा। तो अब आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे के प्लान्स बस हैं स्टडीज़ का भी, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि स्टडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, लाइक आई हैव वेरी गुड CGPA क्योंकि कोई पेरेंट्स का ही प्रेशर नहीं है, जबकि मैं तो खुद ही कर रही होती हूँ। शौक है क्योंकि जो भी चीज़ करो आई थिंक वो पूरी एफर्ट्स के साथ करो, वरना फिर वो फिर रहने दें, वरना नहीं कर सकते कुछ। तो ये कि स्टडीज़ भी करनी है साथ में मुझे परसों, और ये भी चल रहा है बस। तो आपकी सिबलिंग्स वगैरह हैं? जी, मेरा एक बड़ा भाई है, तो वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, वो बहुत इस बिजनेस में आपका वो जी काफ़ी सपोर्टिव है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है माशाल्लाह। नहीं, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और अच्छा लगता है कि इस तरह के एग्जीबिशंस में मैं भी जाती हूँ ना, तो यंग लड़कियाँ जो है वो काम कर रही हैं, एंड क्रिएटिविटी बहुत अच्छी। जितने भी यूनिवर्सिटी में लोग हैं यूजुअली मैं उनको कहती रहती हूँ कि मतलब आपको एक पढ़ाई ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोकती है कि आप 4 तक फ्री हो जाते हो, तो उसके बाद 4 to 9 आपके पास पूरा फ्री टाइम होता है। आप मेरे पास एक सेकेंड भी फ्री नहीं होता, क्योंकि मैं इंटर्नशिप भी कर रही थी लास्ट मंथ, तो मैं आती थी और रात में बिल्कुल इसे लेके बैठ जाती थी। फिर दूसरे भी काम होते हैं, जैसे मैं आपको बताया कि एक और स्टार्टअप भी है अभी, तो फिर ये कि टाइम बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मुझे होता है कि 20 से 30 की आपकी एज होती है ना, इसमें आप जितना अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो आपको इसमें कर लो, यहीं पर ही आपने अपने बीज बो देने होते हैं, फिर आगे चल के आपको इसमें अपनी पूरी जान लगा देनी होती है। मरियम, डिजाइंस वगैरह जब लेने होते हैं तो क्या कुछ और ज्वेलरी के आइटम्स आप देखती हैं कुछ ऑनलाइन, कुछ आइडियाज लेने के लिए क्या? या जो मैंने आपको बताया था कि जैसे कनाडा में बहुत ज्यादा ये पॉलीमर क्ले होती है, फिर यूएस में बहुत होती है, तो वहाँ से मैं डिजाइन की मोटिवेशन हमेशा ले रही होती हूँ, क्योंकि अच्छा है वहाँ पर, क्योंकि बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं वो लोग, लाइक 20-30 ईयर्स से वहाँ पे चल रहा है सब, तो वहाँ से ये कि काफ़ी अच्छे आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं, फिर वो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रही होती हूँ, फिर कुछ आपके खुद के आइडियाज़ होते हैं कि ये लीफ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए एंड ऑल। ठीक है जी, अच्छा एक और ब्रेक है, मैं तो समझी ये लास्ट सेगमेंट है। खैर हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बताते चलें कि बी ओरिजिनल के गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आज हम आपको दे रहे हैं, प्लस ये जो मरियम है ये भी गिफ्ट लेकर आई हैं, SCM की तरफ से हम आपको देंगे कुछ गिफ्ट हैम्पर्स, उसके लिए आप लोग हमें अभी भी SMS कर सकते हैं और अभी भी कॉल कर सकते हैं। हम लोग एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज जी खुशामदीद, आज के शो में हमने अफ्रीका के हवाले से भी बातें की, कुछ रेसिपीज़ भी सीखी, और आज मरियम ने एक ऐसा टैलेंट हमारे सामने ये लेकर आई हैं, एक ऐसी ज्वेलरी जिसे कहते हैं कि हमने फ़र्स्ट टाइम ही देखी, या शायद देखी होगी तो हमें पता भी नहीं होगा कि ये क्ले डो से बनाई जाती है। तो आज के शो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, अगर आपने शो मिस किया है तो रात में रिपीट होगा, 10:30 रिपीट होगा, ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा 2-3 दिन के बाद हमारा यूट्यूब पे भी ये सारे शोज़ आ जाते हैं, आप तब भी देख सकते हैं। एनीवेज थैंक यू सो मच मरियम के आज आप आई, और आगे आपकी जो भी तैयारी है, पढ़ाई आपने कंप्लीट करनी है और इसको आगे लेकर बढ़ना है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का जो आज हमारे साथ थे और देख रहे थे। इंशाल्लाह अब कल हमारी मुलाकात होगी, कुछ नई बातें होंगी, नए टॉपिक होंगे, कुछ नई रेसिपीज़ होंगी, नए मेहमान होंगे, तब तक आप लोगों ने क्या करना है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है, और अच्छे अच्छे गुमान में रहना है, मुस्कुराते रहना है। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.